हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। अवनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। अगर आपने पिछले टॉपिक्स अभी कवर नहीं किए हैं तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब को। तो लेट्स सी व्हाट इज एन एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या फिर दूसरे ही क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। इट मे सम टाइम मॉडिफाई अ होल सेंटेंस ऑल्सो। कि कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ये ना केवल एक वर्ड को बल्कि पूरे सेंटेंस को ही डिस्क्राइब करते हैं, पूरा सेंटेंस ही इस पर टिका होता है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये वर्ब को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि शी राइट्स नीटली। तो यहाँ पे राइट जो वर्ब है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है? नीटली शब्द, नीटली, वो साफ सुथरा लिखती है। तो नीटली शब्द यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है इसमें द बॉय इज वेरी टॉल। तो टॉल शब्द क्या है? इसमें एडजेक्टिव है और इसको जो ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है वह शब्द है वेरी। तो वेरी शब्द जो है वो एक एडवर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव यानी टॉल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आता है कि ये दूसरे किसी एडवर्ब को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, शी फिनिश्ड हर वर्क टू क्विकली। तो क्विकली शब्द क्या है? वो खुद एक एडवर्ब है और टू भी क्या है? वो भी एक एडवर्ब है। तो टू जो है वो यहाँ पर दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखते हैं कि एक पूरी सेंटेंस को भी कैसे एक एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि फॉर्चुनेटली आई वॉज देयर एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। कि अच्छी किस्मत थी कि मैं वहां उस समय था कि जब वो घटना हुई। तो देखो सारा उसने जो है किसको क्रेडिट दिया है? किस्मत को। तो उसने क्या बोला? फॉर्चुनेटली। तो फॉर्चुनेटली जो शब्द है ये पूरे के पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है और ये एक एडवर्ब भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब कौन सी शब्द होते हैं। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो किसी दूसरी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या फिर वो पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब करेंगे एडवर्ब के कौन कौन से टाइप्स हैं। बेसिकली जो एडवर्ब है उसके फाइव टाइप्स होते हैं। दीज आर एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की कोई काम कितना फ्रीक्वेंटली, कितना बार बार, कितनी बार रिपीट होता है या नहीं होता है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कि किसी काम को किस ढंग से किया जाता है, दैट इज इंक्लूडेड इन एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कि जो विशेषण शब्द हमें क्रिया की या किसी भी विशेषण के होने की स्थान को बताएंगे तो वो क्या होंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण, जो समय का बोध कराएंगे वो शब्द क्या होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम इन पांचों टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप हमने बताया था दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या हम बोले तो क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। इट डिस्क्राइब्स द डिग्री और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स, कि ये हमें बताता है कि किस सीमा तक या किस डिग्री तक, कितनी मात्रा में कोई काम होता है उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये ज़्यादातर जो है एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से या जो भी मेन वर्ब होती है सेंटेंस में उससे अक्सर पहले ये शब्द आते हैं और ये हमारे हाउ मच क्वेश्चन का जवाब देती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दो बच्चे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। तो दे सी वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो एक्सट्रीमली शब्द जो है वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है।
तो ये हमारे हाउ मच का कैसे आंसर दे रहा है कि इसके लिए अगर हम इन्वर्स करें क्वेश्चन तो क्या होगा, हाउ मच हैप्पी वी आर, तो वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो जो जो भी हमारे हाउ मच का आंसर जो देंगे वो क्या बनेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाएंगे। और इसमें और एग्जांपल जैसे कि इंटायरली, ट्रू, वेरी, क्वाइट, जस्ट, बियरली, एब्सोल्यूटली, ऑलमोस्ट इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि किसी चीज़ की रिपीट होने की क्या काउंट है, कि मतलब वो कितनी बार रिपीट होती है या नहीं होती है वो शब्द, जैसे कि ऑफन की वो अक्सर होती है, यूजुअली होती है, जनरली वो एक्शन परफॉर्म होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, समटाइम्स होता है या कभी भी नहीं होता है। तो इट ऑलवेज टेल इज हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स, कि कितनी बार कोई जो एक्टिविटी है वो होती है, ये हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। दिस यूजुअली कम्स आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट से पहले आता था, हमारी वर्ब से पहले आता है, और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादातर ये हमें बाद में देखने को मिलता है। जैसे कि I always brush my teeth before going to bed. तो जो I है, I पे focused है ये sentence, कि मैं अपने टिथ को ब्रश करता हूँ डेली। तो जो ऑलवेज शब्द है ये किस पे फोकस कर रहा है, आई पे। और ऑलवेज क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे सब्जेक्ट के बाद आया है। तो ये शब्द हमारे हाउ ऑफन की कोई भी एक्टिविटी है जो वो कितनी बार रिपीट हो रही है उसका जवाब जो देते हैं, दीज आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड वन जो हमारा आता है वो आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होता है जो हमें कोई भी काम होने के ढंग को बताता है, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी है वो स्लोली हो रही है, इजीली, क्विकली हो रही है, केयरफुली हमें उसे करना चाहिए, हैप्पीली, एफिशिएंटली, फॉर्चुनेटली, लाउडली, ये सारे शब्द जो हैं ये हमें किसी भी क्रिया के होने का ढंग बताते हैं। इट टेल इज हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई काम कैसे हो रहा है, ये हमें एडवर्ब ऑफ मैनर दर्शाता है। इट इज यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, कि ज़्यादातर जो इसका स्थान है, जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद आता है। और ये हमारे किसका आंसर करेगा, हाउ, हाउ द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। लेट अस टेक एन एग्जांपल, प्लीज इंस्पेक्ट इट केयरफुली। तो केयरफुली जो है, ध्यानपूर्वक शब्द जो है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि हमें कोई हम कोई चीज़ कोई काम कर रहे हैं और कोई उसे बोले कि इसको ध्यान से करो, तो कैसे करें उसको ध्यान से, तो हमारे हाउ का जो आंसर देता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है ये हम प्रीपोजिशंस की तरह इसका यूज करते हैं। तो इट टेल इज वेयर समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ है वो कहाँ घट रही है, कोई घटना जो है वो कहाँ हो रही है। इट कैन इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट्स पोजिशन इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि हमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के उसके कॉन्ट्रास्ट में ये हमें बताएगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है या वो उस चीज़ से कैसे रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें अप डाउन, इनसाइड आउटसाइड, इन आउट, अबव बिलो, अवे इन, राइट, समवेयर, एल्सवेयर, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। और ये हमारे जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारे क्वेश्चन वेयर का आंसर करते हैं, जैसे कि इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, तो ठंड कहाँ है, बाहर है। तो वेयर कहाँ, कहाँ शब्द का आंसर देने के लिए जो भी एडवर्ब ऑफ यहाँ पे प्लेस यूज हो रहा है वो हमारे वेयर का आंसर कर रहा है। तो ये होंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमारे एक्टिविटी के होने के स्थान को दिखाएंगे। एडवर्ब का जो लास्ट टाइप आता है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताएगा
कि कोई भी काम जो है वो किस समय पर हो रहा है, यानी कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जैसे कि डेली, रेगुलरली, बिफोर, आफ्टर, टनाइट, यस्टरडे, वीकली, एनुअली, यूजुअली, फाइनली, टुमोरो, टुडे। इस टाइप की जो भी शब्द हैं, जो भी टाइम का बोध कराते हैं, वो एडवर्ब ऑफ टाइम में इंक्लूड होते हैं। इट टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपेंड एंड फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन, कि कोई भी जो भी क्रिया हमने की है, कोई भी एक्शन जो हमने परफॉर्म किया है वो या करना है वो कितनी देर तक होगा या कितनी बार हम उसको रिपीट करेंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverb of time have standard position in a sentence depending on the adverb of time is telling us what. कि जो भी adverb of time है इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये sentence के starting में use होगा या mid में होगा या end में होगा। इसकी position जो है वो उस चीज़ पर depend करती है कि ये describe क्या करना चाहता है sentence में। और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमारे व्हेन द एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस और हैज टेकन प्लेस, तो हमारे व्हेन का जो आंसर करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू द मॉल टुडे, तो कोई पूछे कि व्हेन आर यू गोइंग, तो व्हेन का जो आंसर हमने बोला कि टुडे, कि मैं मॉल आज जा रहा हूँ। तो आज शब्द जो है, टुडे जो है, वो हमें टाइम का बोध करा रहा है कि कब जाना है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इज वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। और इसी के साथ जो सारे एडवर्ब के टाइप हैं वो यहीं एंड होते हैं। और अगर आपको फिर भी स्टिल कोई कंफ्यूजन है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू आवर वीडियो। एंड अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनसे मिलेगी और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप वहाँ से सीखेंगे। थैंक यू।